कि इस इंट्रोडक्टरी मीटिंग में आए एसएसपी साहब, एएसपी साहब, एडीएम साहब, हमारे दोनों बीडीसी के चेयरमैन साहब आज के इस फंक्शन में आए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी के पार्षद बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और बंधुओं, मैं मुबारकबाद देता हूं एचएसपी साहिबा को जिन्होंने कश्मीर की उन वादियों से आईपीएस करके एक इतिहास रचा। और ऐसे हालात में जब कश्मीर के अंदर खून खराबा था, कत्लो गारत थी, मिलिटेंसी थी अपने पूरे यौवन पर, ऐसे हालात में लड़कियों के लिए खासकर पर्दा और घर से बाहर निकलना कितना कठिन काम था, लेकिन इतने बुरे हालात में इतने घिनौने इस काम के ऊपर हमारी तवज्जो रहती थी। मोबाइल संबंधन जो है वो आज तक जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाया है, उसके कारण उसके क्या क्या कारण है सजेशन यहाँ पर देंगे। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपको, हम ये अश्योरेंस देते हैं कि जो शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ आए। हाँ, आप लोगों ने जो हाँ बोवाइन स्मगलिंग का भी आपने जैसे मेंशन किया, बच्चों की काउंसलिंग हो सके, हमारे यंगस्टर्स एडिक्शन से दूर रह सके, जहाँ कहीं हमारी गाइडेंस की जरूरत है करियर काउंसलिंग की, हम वो कर सके। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश रहेगी कि हम जितना इसमें कर सके हम करते रहेंगे। एट द सेम टाइम क्योंकि सुंदरबनी का एक बड़ा रिच कल्चरल हेरिटेज है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम आपसे एक ट्रस्ट की उम्मीद रखेंगे। कहीं भी कोई मुद्दा आ जाए हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप हमें कॉन्फिडेंस में लें, एंड कम से कम आप हम पे इतना भरोसा करें कि हम कानून के दायरे में जो चीज़ हो सॉल्व करें। लेडीज की प्रॉब्लम होती है, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, यंगस्टर्स की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लमें एक सोशल प्रॉब्लम होती है जिसको अगर एड्रेस ना किया जाए वो क्राइम की तरफ जाती है इवेंचुअली। कहीं कोई छोटी लड़ाई होती है आपस में, उसको अगर एड्रेस ना किया जाए कल को किसी का नुकसान हो सकता है, उससे जान का नुकसान, माल का नुकसान हो सकता है। जैसे आप बोले ड्रग अब्यूज की प्रॉब्लम है, अगर उसको वक्त पे चेक ना किया जाए एक इंडिविजुअल की लेवल पे, कल को एडिक्शन हो सकता है उसमें। जबकि अगर उसमें सही टाइम पे इंटरवेंशन हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारा, स्कूल्स का, हमारे डॉक्टर्स का, तो प्रॉब्लम आप उसको जड़ पे ही रोक सकते हैं, किसी एक इंसान का नुकसान होने से बच सकता है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप आपकी जो विद रिस्पेक्ट टू लॉ एनफोर्समेंट जो भी उम्मीदें हैं, जो एक अच्छे पुलिस निज़ाम में हो सकती है, जो होनी चाहिए, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट बहुत रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आप एक रिस्पॉन्सिबल टाउन का एग्जाम्पल है, आप जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपका है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी है। हमारा फर्ज यही होता है कि हम अपने फंक्शंस ईमानदारी से एंड इम्पार्शली हर जगह अपना फंक्शन पूरा कर सके। तो आपसे भी यही उम्मीद रहेगी कि आप हमारी नोटिस में लाएं, हमें फीडबैक दें, कहीं आपके कुछ नए आइडियाज हैं जहां काउंसलिंग की जरूरत है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि एक चीज से हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम छोटे थे स्कूल कॉलेज में, कहीं ना कहीं किसी सीनियर अफसर ने, किसी प्रोफेसर ने, किसी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ने हमें भी थोड़ी गाइडेंस दी, कहीं कुछ अच्छे आइडियाज दिए, कहीं कुछ मुश्किल आई, तब जाके हमने उसी गाइडेंस के तले कुछ काम करके कोशिश करने की कोशिश की कि हम अपना करियर अच्छे से सेट करें। ऐसे ही होता है, कोई एक इंसान गाइडेंस दे, एक अच्छा आइडिया दे, फिर बच्चा खुद चल जाता है। एंड जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, वो कहीं नहीं रुकते हैं, बस कहीं ना कहीं डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो आज ये इंट्रोडक्टरी मीट है, मैं भी ब्रीफ रहूंगी।